मैं यही बात आपको बोलता हूं, अपने सिखाने वालों के अधीन रहो, उनका एक वर्ड आपके लिए काफी अगर आप उसके अनुसार चलो। आप जिसको भी अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हो, वो कोई भी क्यों ना हो, आप उसके अधीन रहो। अगर वो मैं हूं तो आप अधीन रहो, अगर मैं नहीं जो भी है हालेलुया आप उसके अधीन रहो। सही समय पे आपको वो बढ़ाएगा, सही समय पे आपको वो ऊंचा करेगा। टेस्टमनी आपकी वहीं पर पैदा होगी जहां आप है, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके साथ है, पर कैसे पता लगेगा, मैं दो वचन से बातचीत करूंगा आपसे। अब लुका 15 उसका 11 वचन से, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, अपने पड़ोसी को बोलो दो। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। छोटे ने क्या बोला अपने बाप को कि पिता जो प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा बनता है, जब आप इस दुनिया से जाएंगे इस शरीर को छोड़ के, तब भी आप मुझे वो हिस्सा देंगे कि नहीं देंगे? आप अपने जीते जी जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दीजिए। मेरे हिसाब से बात बच्चे ने सही कही, पर गलत क्या कहा उसने कि उसने पिता के जीते जी अपनी प्रॉपर्टी मांगी। यहां पे लिखा उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बाप ने क्या किया कि मैं अकेला छोटे को क्यों दूं, मैं दोनों को बांट देता हूं। उसने दोनों भाइयों को बुला के उनकी जितनी जितनी प्रॉपर्टी बनती थी बांट दी। ठीक किया। अब क्या हुआ, बात यह देखनी है कि छोटे ने क्या किया। 13 वचन, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब इसने क्या किया छोटे बेटे ने, जितना पैसा अपने हिस्से का था, जितनी प्रॉपर्टी अपने हिस्से की थी, इसने बेच दी। उसका जो पैसा बनता था उसने इकट्ठा किया और दूर देश को चला गया, अपने पिता के घर को छोड़ के, अपने भाई के घर को छोड़ के। और वहां जाके इसने क्या करना शुरू किया, वहां जाके इसने अपनी इच्छा से अपनी एक नई जिंदगी बनाई। जब एक व्यक्ति नशा करता है तो उसकी नई जिंदगी बननी शुरू हो जाती है। जो उसके घर वाले लोग हैं वो उसकी इज्जत नहीं करता, फिर शराबी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, फिर जब नशे से बाहर होगा तब इज्जत करेगा। अब उसकी नई जिंदगी कौन है, उसके वो नए दोस्त जो उसके साथ मिलकर शराब पीते। चिट्टे का नशा करने वाला, उसकी नई जिंदगी में लोग कौन है, वो जो उसके साथ चिट्टे का नशा करते हैं। हालेलुया। इस व्यक्ति ने क्या किया, कुकर्म करके, गलत काम करके अपनी सारी संपत्ति को जो पिता ने दी थी बांट दिया, मतलब कि सारी प्रॉपर्टी को इसने उड़ा दिया, खत्म कर दिया। यहां पे लिखा जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। क्या हुआ देश में, क्या पड़ा, अकाल। जितना पैसा था उसने गलत कामों में लगा दिया, पीछे कुछ नहीं जोड़ा उसने। अब जब देश में अकाल पड़ा, पैसा खत्म हो चुका था, और बाइबल में लिखा 14 वचन में इसके, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। क्या हो गया, वो आपका पैसा एक समय खत्म हो सकता है। हालेलुया। मैं आज खुदाबंद की हजूरी में खड़ा हूं, मैं आज सबसे बड़ा परमेश्वर का थैंक्स पता क्या करता हूं कि 2011 तक मैं कहता हूं आज लोग फॉरेन में जाके उतना पैसा कमाते हैं, मैं इंडिया में रह के, हिमाचल में रह के, अपने घर में रह के मैं 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा था। 2011 की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं 23 साल का था। और आज जो लोग पैसे के ऊपर घमंड करते हैं, जा सोचते हैं कि पैसा हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, मैं आपको बोलता हूं ये आपकी सबसे घटिया सोच है कि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं। और जब यीशु मसीह मुझे यहां पे लेके आया
तो मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपया था। मेरे दो जो शुरू से वॉलंटियर हैं, आज वो भाई के तौर पे काम कर रहे हैं चर्च में, हर काम में साथ देता हूँ, उनको पता है। सिर्फ मैं 3 लाख रुपए अपना साथ में लेके आया था, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था, वो भी मैंने प्रभु के कामों के लिए सारा खर्च कर दिया। एक रुपया मेरे पास नहीं। मैंने यीशु की सेवा दिल से की और यीशु मसीह ने मेरा साथ दिया। आज मुझे ये समझ आ गया है कि बिना पैसे के भी कुछ हो सकता है, तो वो सिर्फ परमेश्वर का काम हो सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो इसके लिए आपको पैसा नहीं चाहिए। आप किसी से भी पूछ लो, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज आपको जो कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी नहीं था। हमने प्रभु का काम प्रभु के तरीके से किया, अपना तरीका यूज करना छोड़ दिया। अपना भी तरीका होता है, अपने तरीके से भी लोग बढ़ते हैं, पर वो अपना तरीका, सेल्फ एफर्ट्स। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं ही करूंगा। समझ आ रही है? मैं चर्च बनाऊंगा, मैं चर्च बनाऊंगा, मैं कभी नहीं बनती, लिख लो। पर जब परमेश्वर बनाएगा, आपको पता भी नहीं होगा कि रात कब हुई, सुबह कब होगी। आपको पता भी नहीं होगा आप अगले लेवल पे कब पहुंच गए। आज सिर्फ बैठे हुए धीरज धर के विश्वास के साथ अगले कदमों को देखेंगे अपने। आज मुझे यह समझ आई है कि पैसे के बिना भी एक जिंदगी है। हमने बिना पैसे के पिछले 15 दिन में सर्वाइव किया है। जहां भी हम गए हैं, ब्लेस होके आए हैं यीशु मसीह के नाम में। चर्च के पास, चर्च के कामों के लिए है, वो कर रहे हैं चर्च का काम। हालेलुया, चर्च का काम चलता जा रहा है और चलता जाएगा, क्योंकि डिवाइन हेल्पर चर्च के लिए बोते हैं। उनको पता है कि ये चर्च मेरी है। जैसे मैं अपने घर को बनाता हूं, तो मुझे इस चर्च को बनाना है। जैसे मैं अपने घर के बाथरूम को बनाता हूं, तो मुझे इस घर का चर्च का बाथरूम बनाना है। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे घर में अच्छी अच्छी चीजें हों, तो मेरे परमेश्वर के भवन में भी, जो किसी इंसान की मिनिस्ट्री नहीं है, यहां पे किसी इंसान का नाम नहीं है, जो नाम रजिस्टर्ड है वो चर्च का नाम है। कि ये मेरा अपना भवन है, मैं अपने भवन को आप सजाऊंगा, मैं आप उसमें पेड़ पौधे लगाऊंगा। जब हम इस तरीके से काम करते हैं, तो हम परमेश्वर के काम को करते हैं। इस बच्चे ने क्या किया? अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी कुकर्म करके, और उस देश में अकाल पड़ गया, और वह क्या हो गया? कंगाल हो गया। कंगाल मतलब कि अब इसको रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। आपका धन एक समय आपको धोखा दे सकता है, लिख लेना मेरी बात। उसने कहा दुष्ट के धन की बहुतात के कारण मत कूड़। कि मैं, लोग कहते हैं, प्रभु देख मैं दशवांश भी बोता हूं, मैं पवित्रता में भी हूं, मैं हर हफ्ते अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तेरे भवन में दे कहता हूं, फिर भी प्रभु मैं ब्लेस नहीं। वो व्यक्ति देख प्रभु गलत काम भी करता है, सब कुछ करता है, इतना ब्लेस है। उसने कहा अधर्मी के ऊपर विपत्ति कब आएगी तू नहीं जानता, पर परमेश्वर तेरा तुझे उस समय बचा लेगा। उसने कहा दुष्ट के रखे हुए धन से थोड़ा धन जिसमें आशीष हो वो बरकत वाला है। अब मैं आपको